रुद्र और हम दोनों बना रहे हैं यहाँ पर घी। अभी तो बनाए माखन और ये माखन को निकाल के जैसे गर्म करेंगे उसमें से घी निकल जाएगा। इसे दाने बना लेता है अभी और करूँ ना। देख लो कुत्ता कहीं का। जो भी बचेगा ना वो इन दी एंड भैया प्योर घी रहेगा। इसमें बन गया हमारा पूरा घी। तो मैंने ये स्वेट शर्ट मंगाई थी, ये 294 रुपए की पड़ी मुझे मीशो से। ये तो इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड। स्वागत है आप सबका मेरे नए ब्लॉग में। आज जब मैं गणेश कुंड झाड़ू वगैरह आते हैं हम कर रहे हैं सफाई। इंटेंशन नहीं था मेरा ब्लॉग स्टार्ट करने का, बट अभी मैंने एकदम से जो मेरे को एक सर्टेन थॉट आया कि कर देते हैं तो मैंने कर दिया। अभी क्या है यहाँ पे वो जो बाबा रहते हैं वो है नहीं, तो ये सारी सफाई लोगों को ही करनी पड़ती है। रुद्र उधर मछलियों को आटा डाल रहा है। रुद्र दूर ही रहना थोड़ा सा। तो मंदिर से आ गया मेरे घर और आज कल की कड़ी थी खाने में, कड़ी कड़ी बच रही थी तो मैंने बोला कड़ी खानी पड़ेगी, तो मैंने कर लिया अपना फेवरेट चूरमा। मिक्सर में पीछे इस बार ये रोटी वगैरह सारी और इसमें डाल लिया घी और शक्कर और ये बन गई। इस बार बहुत बारीक हो गई क्योंकि मिक्सर में पीछे। अब करते हैं अपन खाना चालू। तो ये सुबह की कड़ी है। क्या कह रहे हो? बाबू ने सिखाया था चूरमा मिक्सी में। मतलब पहले घर पे होता था चूरमा, मतलब हाथों से ही करते हैं हम चूरमा ज्यादातर। पर वो है ना भाई मेरा मामा का लड़का, तो उसकी मम्मी जॉब पे चली जाती है, तो उसको जब भी खाने की इच्छा होती है ना तो हम मिक्सर में, क्योंकि उसका तो छोटा सा है, वो अभी तो शायद थर्ड क्लास में ही ना, सेकंड थर्ड क्लास में, थर्ड क्लास में होगा, 9 साल का है, तो उससे तो होती नहीं है ऐसी बारीक, तो मिक्सर में कर लेता है फिर सब कुछ। उसको बहुत पसंद है, यहीं से सीख के गया था वो। आएगा तो ज़रूर मिलवाऊंगा मैं उनसे तुम्हें। डुग्गू को तो शायद जानते होंगे तुम, बीकानेर सीरीज वाले व्लॉग देखे होंगे तो तुम जानते होंगे डुग्गू को। तो मैं खाना खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। और खाना खाते खाते मैं वैसे अभी देख रहा हूँ व्लॉग ही देख रहा हूँ, रेलवे व्लॉग, तो मैं खाना खा लेता हूँ फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। मैंने खा लिया अब खाना। खाने के बाद में भैया अब हम मेरे को जाना है मेरी मम्मी के साथ में गैस सही कराने। हमारे गैस में दिक्कत आ रही है एक जाने क्या। किस वाले में आ रही है? बीच वाला तो हम यूज़ ही नहीं करते हैं। किस वाले में आ रही है? बड़े वाले में। इसमें दिक्कत आ रही है भैया, बबक रहा है, मतलब आग आग पकड़ रहा है ना, इधर पीछे फेंक रहा है, बटन की तरफ आग फेंक रहा है। यहाँ से आग निकली, यहाँ से अच्छा इसमें से आग नहीं निकल रही। इसकी इसमें वो आगे होगी ना शायद, लीकेज वगैरह, क्योंकि एक बबक रहा है ज्यादा गमती होगा। सही है। रुद्र को हमें हॉस्पिटल भी लेके जाना है, तो हम रुद्र को भी लेके जा रहे हैं। मम्मी और मम्मी तो गैस लेके आ रहे हैं पीछे। ए भाई देख सड़ा सा लग रहा है। हमने नया किचन लगाया है, लक्की भाई को गिफ्ट किया था। पीछे क्या, पीछे मोड़ इसको देख क्या लिख रहा है, बताएं क्या लिख रहा है। पढ़ पढ़ समझ में नहीं आती इसे। इसको भी क्या है कर्स्यू समझ में नहीं आती, कुछ कुछ शब्द समझ में आ जाते। ठीक है, लक्की भाई को घूमने का शौक है ना, इसलिए दिया है ये। द बेस्ट टीचर, एक्सप्लोरर टीचर। तो चलो चलते हैं फिर रुद्र को भी हॉस्पिटल लेके जाएं। रुद्र के क्या हो रहा है मैं बताऊंगा तुम्हें, अभी तो नहीं बताता हूँ फिर तुमको। हॉस्पिटल होके आ गया मैं, रुद्र के दवाई वगैरह दी थी वहाँ से भी। इसके क्या हो रहा है मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। उससे पहले ये रुद्र और हम दोनों बना रहे हैं यहाँ पर घी। दूध की जो मलाई निकलती है उससे घी बनता है। ये भी बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी हमारी, तो हमने मम्मी ने दे दिया है कि भाई फेंटो इसको, तो फेंट लो। सुसु हो के यहाँ आ रहा था ना तू, टीवी में मग्न हो रहा है नंबर एक का, बैठ जा यहाँ। देख तो सही कितनी इंटरेस्टिंग चीज कर रहा हूँ मैं। दबा बटन दबा। अभी तो बनाए माखन और ये माखन को निकाल के जैसे गर्म करेंगे उसमें से घी निकल जाएगा। इसे दाने बना लेता है अभी और करूँ ना। नहीं नहीं बस आ ही गया ना वो, पानी नीचे रह गया। देख अब इसको गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद में बन जाएगा घी करते करते। पर ये बहुत सारा निकलेगा, बट उसका घी बहुत कम बनता है। नहीं फिर भी पाव घर निकल जाएगा इसका, पाव घर अब प्योर घी रहेगा। 200 ग्राम घी, 250 ग्राम। मैं ज़्यादा तरी वाले घी खाता हूँ भाई, घी और मेरा अलग ही प्यार है। वी आर इन रिलेशनशिप। मेरे घर में घी जिसको किसी को मतलब इतना पसंद नहीं है जितना मुझे पसंद है। मैं घी पी भी जाता हूँ और ज़्यादातर मैं मतलब हमारे घर में कोई भी चुपड़ के खा, रोटी नहीं खाता पर मैं चुपड़ के खाता हूँ रोटी। घी का और मेरा अलग ही रिलेशन चल रहा है। वी आर इन रिलेशनशिप विद मारवाड़ी है भाई। तो चाइल्डहुड से ही बचपन से प्यार है घी से मुझे। जैसे कि आज चूरमा करा तो उसमें भी मैंने ये वाले घी, मतलब हमारे टाइप पे दो दो टाइप के घी होते हैं हमारे,
एक तो वो जो हम कमर्शियली खरीदते हैं ये, क्योंकि ये तो इतना हो नहीं पाता जो पूरा घर चल जाए, और एक रहता है कि ये वाला, तो मैं ये वाला ही यूज करता हूँ ज्यादातर, क्योंकि मेरे सामने बनता है बिल्कुल प्योर होके, तो मुझे ये वाला ही खाना पसंद है। ये पानी है, छाछ की पानी है, छाछ ही तो बनती है। अच्छा, ये छाछ बनती है घी निकालने के बाद में, ऐसी पिक्चर है मतलब, पूरा घी निकल जाता है। हाँ, जिन दिन के वहां से आती है मेरे को ऊपर ऊपर ही आता रहता है। वो कपिल भैया की छाछ में कितना सारा आता था, चम्मच में खाऊंगा फिर एक चम्मच रुद्र खाएगा। को कम कर रहे वो दे कम कर, गला पकड़ेगा डायरेक्ट। कृष्ण भगवान ये यही खाते थे, इसको ही कहते हैं माखन। अरे नहीं, मैं तो बता रहा हूँ भाई ऑडियंस को, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई। देख कुत्ता, दूसरी चम्मच लेके कड़वा लगा डोला, आजा खा पकड़ा साले, नहीं खाएगा वो, खाएगा कैसे, नहीं खाएगा, नहीं खाता वो तेरे जैसा दिए, इतना सा खा ले ले। स्वाद में कोई खास नहीं लगता ये, बट वो तो मैं हेल्थ की वजह से खा लेता हूँ, मन का कि प्योर की है यार, थोड़ा बहुत हो जाएगा। गर्म हो रहा है, अब ये गर्म हो जाएगा ना, तो इससे क्या होएगा, ये ना देखना पूरा घी बन जाएगा, और जो खुशबू आती है ना भाई इसकी, इतनी सही खुशबू रहती है। अभी भी इसकी चल रही है प्रोसेस, अभी गर्म हो के बस ये सिर्फ लिक्विड फॉर्म में बचेगा, और वो बचेगा घी। खुशबू मेरे को इतनी प्यारी लगती है ना, मतलब कि अगर मैं व्लॉग भी नहीं बना रहा होता ना, तो भी मैं इसको 10 बार आके सूंघता। ये मेरा हर बार का है कि जब भी घी बनता है ना, तो मैं सूंघता हूँ इसको, क्योंकि इसकी जो खुशबू रहती है भाई। मैं तुम्हें हमारे ये वाले इंडक्शन की बात बताऊँ ना, तो ये फिलिप्स वाला जो आया था तुमने देखा होगा व्लॉग में, सही है यार, क्या काफ़ी तेज़ गर्म करता है ये, मतलब पहली वाली की कंपेरिजन में तो बहुत तेज़ ही गर्म कर देता है ये। जो भी बचेगा ना वो इन दी एंड भैया प्योर घी रहेगा इसमें। अब देखो ये कितना सा रहा था, पर कितना सा रह गया, ये यहाँ तक टच हो रहा था इसके, बट अब देखो कितना सा ही रह गया। ये जो ऊपर आता है ना इसको ही रखते हैं, बाकी जो नीचे चिपक गया है उसको नहीं रखते। मैं एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ, ये इस छन के फिर ये हमारा घी है, बाकी फिर सब वेस्ट है, वो फिक जाएगा ऐसे ही। कुछ इतना सा सारे निकलता है, इतना सा सारे देखने के। मेरे स्टूडेंट्स भी आ गए, अब मैं उनको पढ़ा लेता हूँ ऊपर जाके। 7 बजे में पढ़ा के फ्री हो जाता हूँ ये इज़ यूजल, और आज भी वैसे ही फ्री हो गया था, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:45। अब बैठा हूँ मैं खाना खा के, उधर सब देख रहे हैं बिग बॉस, इसलिए मैं इधर खाना खाने बैठ गया, और मैं साथ में वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हो गया एडिट करने में, और कंटेंट थोड़ा ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मैं आज अकेले बैठ के एडिट भी कर लेंगे और खाना भी खा लेंगे। खाने में आज बनाया मेथी का पराठा, सर्दियाँ आ गई तो भाई हैप्पी सर्दी, विंटर इज कमिंग, और ये बैंगन, बैंगन, और ये सॉस बैंगन, मतलब बैंगन का भरता है ये, बैंगन नहीं है, आए बैंगन। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया इस साल का, मतलब इस सर्दियों का पहला, 2024 की पहली सर्दियां, 2024 की सर्दियों का पहला मेथी का पराठा। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, टेस्ट करने जा रहा है। अलगा नमक कम है, बट सही है, जो मैंने टेस्ट किया था तभी बोल रहा था भाभी साहब, मैंने नमक कम है, शायद उन्होंने डाला होगा, बट उतनी रिकवरी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, बट अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है नमक डालने के बाद में। तो बस मैं खा लेता हूँ खाना, और फिर जो भी करेंगे मिलते हैं तुम लोगों से। अभी मैं स्कूल से आ गया, गणेश कुंज भी आया, मम्मी मैं रुद्र तीनों गए थे, और अब मैं खाना खाने बैठूंगा। आज हमारे बनाए पत्ते वाले प्याज की सब्जी, जो कि मेरी काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा सब्जियों में से एक है, और सर्दियों में तो लगभग मोस्ट लाइकली मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है, वही खाऊंगा मैं। तो चलो खाना खाने बैठते हैं, और उसी दौरान कुछ बातें भी हैं जो कर लेंगे, कल के मेथी के पराठे, और तो बाकी पत्ते वाले प्याज की सब्जी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कल मैंने तुम्हें रुद्र की वो नहीं बताई कि उसकी फुंसिया कैसी हो रही है, बस मैं जस्ट खाना खा के वो बताऊंगा, और भी कुछ चीज़ें हमारे घर में जो नहीं है वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। पूरा जो अब मैं सोच रहा हूँ कि एक होम टूर जो रहता है, हाउस टूर, वो दे ही दूँ, पर वो उसका एक अलग से सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा। तो मैंने खाना खा लिया और हो गया मैं फ्री, अब मैं बताता हूँ तुम्हें रुद्र के एक्चुअली हो क्या रहा है पाँव में, जिसकी वजह से हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा था। इसकी ये देखो, मतलब ये ऐसे ये दिक्कत आ जाती है, ये क्या है, इस पर फुंसियाँ हो जाती है, और फुंसियों के बाद ये कुचल लेता है, तो ये इतने ख़राब हो जाती है कंडीशन थोड़ी सी ऐसी है यार, मतलब ये क्या है, कुचल लेता है, और फिर उसके बाद में मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, मच्छर खाते हैं इसको बहुत ज़्यादा, बच्चा है ना अभी इसलिए, और इससे फिर ये इतने ही समझ तो है नहीं बेचारे में अभी कि भाई मेरे को कुचलना नहीं कुचलना, जब कुचल लेता है। अभी तो सो गया भाई, वो मैंने ही सुलाया था, और मैं भी सो गया था साथ में। कल कोमल दीदी ने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, कल डिलीवर हुए हैं ये बटरफ्लाई वाले, ये डेकोरेशन टाइप से सामान,
जो भी है। और मैंने एक और चीज मंगाई है ऑनलाइन, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। तो मैंने ये वाली स्वेट शर्ट मंगाई थी, ये 294 रुपए की पड़ी मुझे मीशो से। हालांकि डिलीवर करने में बहुत लेट कर दिया उन्होंने, पर फिर भी अच्छी लग रही। लो मम्मी दो मिनट फोन पकड़ना। तो ये तो इसकी बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। नीले कलर की है ये, मतलब थोड़ी थोड़ी सी, अब पता नहीं इसका कलर फेड होगा या नहीं होगा, बट 294 रुपए यानी 294 में तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगी। और भी कलर्स अवेलेबल थे वहाँ पे, बट मुझे तो ये कोमल दीदी से पूछ के मैंने ये वाली ऑर्डर कर ली। अब देखते हैं इसका कपड़ा वो होता है, क्या बोलते हैं, सिकुड़ता है या फिर क्या होता है भाई, कलर निकलता है क्या होता है। बट अभी तक तो मैंने एक बार भी नहीं पहनी क्योंकि अभी उतनी सर्दी बता कपड़ा उतनी सर्दी नहीं है। नहीं नहीं सिकुड़ेगा, नहीं सिकुड़ेगा। कलर कलर भी नहीं जाएगा, कलर धूप में अगर सुखाएंगे तो थोड़ा बहुत। धूप में तो नहीं सुखाएगा, उल्टा कर उल्टी सुखा देंगे, धूप में तो नहीं सुखाएंगे। स्वेट शर्ट है और ये 3 स्वेट शर्ट हो गई मेरे पास इसको मिला। कल मेरी मम्मी और रुद्र गए थे भैया कोटा दशहरे में, और वहाँ का फेमस हाथी जाम लेके आए हैं। ये हाथी जाम कहते हैं क्योंकि ये एवरेज गुलाब जामुन से बड़ा होता है। सॉरी तो ये अभी तो इसमें काजू नहीं है, नहीं तो पहले हम खाए थे ना एक बार, गए थे जब काजू आया था उसमें, पहले गए थे ना एक बार, मतलब जोर से 2000 ये भाई जाने कितनी बार बेटी एक में बोल रही मेरी मम्मी। सन 1993-94 में गए थे ना, लकी भाई 2 साल के थे जब गए थे ना, तब इसमें एक काजू भी आता था हाथी जामुन, एक काजू आता था फिक्स इसके अंदर, इसके अंदर हाँ एक काजू इसके अंदर भरा हुआ आता था। अभी तो कुछ भी नहीं देते, बस खाली वैसे ही दे देते। अरे अभी भी पता नहीं किस मेरी मम्मी को से एक काजू, मैं तो सख्त खिलाफ हूं भाई। मेरी मम्मी को से एक काजू का, मैं तो सख्त खिलाफ हूं भाई, मिले के खाने के फिर पहले बोल दे तो मैं डाली दे बंदो आती जाम आती जाम ये नहीं की आती की आवाज के साथ हमारे घर पे आज बनाई है भैया आती जाम। ए आधी जाम याद आया मेरे को एकदम सही। हमारे घर पे बनाई है पकौड़ियाँ आज, कितनी सारी है उसकी सब्जी। फिर नमकीन तो देखो भाई साहब, लक्की भाई वेरायटी खा रहे जो नमकीन की, लक्की भाई पूरी की पूरी वेरायटी भर गई है नमकीन की, 3-3 टाइप के। बस बड़े लोग है भाई। 30 रुपए के मम्मी, मम्मी 30 रुपए 30 रुपए 90 रुपए अभी हम डिस्कस कर रहे हैं भैया मेरे मथुरा जाने पे, क्योंकि मैं अजय के साथ परसों के दिन मथुरा जाने वाला था, इंदौर चल रहा बंद, अब वो कैंसिल हो गया। ऐसे बनते हमारे प्लान, ये ऐसे बनते प्लान सीधे। अट्ठाईस क्यों, दिवाली वहाँ की मनाओगे? 6 घंटे के लंदे उज्जैन जाएंगे तो पूजा कराएंगे रिटर्न। तो भाई देखते हैं जो भी होता है तुम्हें पता लग ही जाएगा ब्लॉग्स में। पहले मथुरा का था पर वो उनका क्या है एग्जाम है तो वो, अरे रुको रुको, भाई मेरे पास तो है पासपोर्ट, वीजा का है बड़ा जाएगा तो वीजा ऑन अराइवल मिल जाएगा वहाँ। हाँ अफ्रीका में तो होगा, एक आध एक कंट्री में तो होगा अफ्रीका की। बाजरा लिया ना 10-15 किलो अफ्रीका ये बुआ अफ्रीका में जा। मेरी मम्मी मेरी बुआ साथ बात करी नागौर में असावरी। तो कैसा लगा तुम्हें ये ब्लॉग? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। पर ब्लॉग एंड करने से पहले एक और बात, कल तुम्हें मैं ब्लॉग दिखाऊंगा एक जगह का जिसमें रेलवे जर्नी भी होगी और जहाँ मैं गया था, मतलब वो पूरा दिन हमारा कैसा गुजरा, केशव और मैं उस ब्लॉग में करीबन शायद 1 साल पुराना, लगभग पूरा तो 1 साल नहीं आया उसे, दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, बट हाँ 9-10 महीने पुराना ब्लॉग है वो सर्दियों का। तो उसे देखना और इन्जॉय करना कैसा लगेगा तुम्हें ब्लॉग, मतलब वो वाला ब्लॉग। ये मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ एकदम से क्योंकि मेरे पास अभी डेली ब्लॉग का कंटेंट नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ डेली ब्लॉग का कंटेंट नहीं, तो कल मैं वो शूट कर लूँगा परसों भी, और अगर परसों एक और एडिशनल नया ब्लॉग देखने को मिलता है तो समझ लेना मैं 2 दिन का ब्लॉग एक साथ डालने वाला हूँ। तो यही बात है, तो चलो अगर अच्छा लगा है ब्लॉग तो लाइक कर देना यार, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में जो कि कल आने वाला है। I'm swimming in love it, in it, sure I'm thinking about jumping in it.